मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। दिल्ली में आज भी होगी बारिश, आईएमडी ने राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कल यानी 31 जनवरी को बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम विभाग की माने तो 31 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। मौसम विभाग की माने तो तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे बराज के साथ भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 1 फरवरी को तमिलनाडु के सुदूर इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे के कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। बारिश के साथ एक बार फिर से ठंड लौट रही है और तापमान में आई गिरावट को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द राहत के कोई आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित इन इलाकों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय असर अब उत्तर भारत में देखने को लगा है। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई, हालांकि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को प्रदेश के 53 जिलों में बूंदाबांदी के मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत राज्य के 40 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी भी है। इन जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट। लखीमपुर खीरी, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, बरेली, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर में सोमवार को आंधी और तूफान के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, भिंड, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, भोपाल के अरेरा हिल्स, बैरागढ़, नरेला, कोलार इलाकों में कुछ स्थानों पर ओले गिरेंगे और कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम में बड़े उलटफेर की संभावना जताई है। देश के कई राज्यों में बर्फबारी, ओलावृष्टि, बारिश और शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की जानकारी दी है कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के चलते मैदानी राज्यों में ठंड तेज हो सकती है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में मावठा गिर सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी हो रही है। यहां बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जो पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने शिमला पहुंचे थे। वे शिमला के मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। हालांकि ज्यादा बर्फबारी होने के कारण अधिकांश लोग होटल के कमरों में बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान में रविवार को झमाझम बारिश होने से मौसम में बदलाव आ गया है। आने वाले दिनों में यूपी समेत कई अन्य राज्यों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक होने वाला है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 24 घंटों के बाद ठंड की वापसी होगी। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए